नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन नेट जीरो की दिशा में रेलवे की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना की है। रेलवे के अनुसार पिछले 9 वर्षों में सौर क्षमता 54 गुना बढ़ गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा क्षमता का बढ़ना हरित भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की दिशा में सराहनीय प्रगति को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने अपील की है कि भारत के लिए उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करते हुए इस यात्रा को जारी रखना होगा। रेलवे के अनुसार मार्च 2014 तक शुरू की गई सौर ऊर्जा क्षमता 3.68 मेगावाट थी, जबकि 2014 से 2023 के दौरान 200.31 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता की शुरुआत की गई। सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए कमी करने की घोषणा की है। ये कटौती उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी के अतिरिक्त है। प्रधानमंत्री मोदी ने एलपीजी के दाम में कमी को रक्षाबंधन पर देश की बहनों के लिए एक उपहार बताया और कहा कि उनकी सरकार लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। अब उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 400 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। समाज के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। दिल्ली में अब रसोई गैस की कीमत 1103 रुपए से कम होकर 903 रुपए हो गई है और वहीं उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए दिल्ली में एलपीजी की कीमत 703 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। सरकार उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 75 लाख नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देगी। इसका फायदा उन गरीब परिवारों की महिलाओं को मिलेगा जिनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा है कि चीन की ओर से 2023 के नक्शे में दर्शाया गया भारतीय क्षेत्र पर दावा आधारहीन है। कहा गया है कि चीन के ऐसे कदमों से सीमा संबंधी मुद्दे और उलझते हैं। मणिपुर में ताजा हिंसा में 2 की मौत और 7 घायल हो गए हैं। मंगलवार को विष्णुपुर जिले के गांवों में सशस्त्र बदमाशों के बीच ताजा गोलीबारी हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मणिपुर के विष्णुपुर, कांगचिंग, थौबल और चुराचांदपुर जिलों के सीमांत और संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान के दौरान विष्णुपुर और थौबल जिलों से कुछ हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। मणिपुर पुलिस नियंत्रण कक्ष के अनुसार विभिन्न स्थानों पर कुल 130 चौकियां खोली गई हैं, जबकि सुरक्षा प्रतिबंधों के उल्लंघन के संबंध में 2015 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लोकसभा से निलंबित कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने आज अपना पक्ष रखेंगे। असंसदीय व्यवहार के लिए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को निलंबित किया गया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लिया। इस साल राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में पार्टी की रणनीतिक बैठक 1 सितंबर को होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह ये बैठक लेंगे। चुनाव आयोग की टीम मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनाव के सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों, राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों के साथ बैठक कर रही है। गुजरात सरकार ने पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों जैसे स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की। अभी तक ओबीसी को 10% आरक्षण मिल रहा था। गुजरात सरकार के अनुसार झावेरी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण का फैसला लिया गया है। अनुसूचित जाति का 7 और अनुसूचित जनजाति का 14% आरक्षण बरकरार रहेगा। सीबीआई ने कथित अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर में साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। इसरो के अनुसार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर, मैग्नीज, सिलिकॉन, ऑक्सीजन समेत एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम जैसे कई पदार्थ मौजूद हैं। इसरो ने कहा है कि चांद की सतह पर हाइड्रोजन की मौजूदगी को लेकर पड़ताल चल रही है। प्रज्ञान रोवर लगातार दक्षिणी ध्रुव पर चहलकदमी कर रहा है और नई जानकारियां भेज रहा है। G20 समिट की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली में आज से पैराग्लाइडर और ड्रोन UAV उड़ानों पर बैन लग गया है और 12 सितंबर तक ड्रोन पर बैन लागू रहेगा। नियमों को न मानने पर IPC की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी।
G20 की दिल्ली में होने वाली मीटिंग को लेकर सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के डॉग स्क्वाड की मदद के साथ सुरक्षा को और कड़ा करने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। दिल्ली में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन के लिए कई इलाकों को सजाया जा रहा है, जिनमें से परेड रोड भी एक है। यहां सड़कों को जगमगाती रोशनी और G20 के पोस्टर से सजाया गया है। दिल्ली में G20 को लेकर एक पार्क भी तैयार किया गया है। NDMC पार्क में कबाड़ से G20 के सदस्य देशों के राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पशुओं की कलाकृतियां बनाई गई हैं। एक स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियां विषय पर बेंगलुरु में G20 देशों के बीच कार्यशाला चल रही है। 31 अगस्त तक इस कार्यशाला का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद समेत कृषि मंत्रालय की ओर से किया गया है। बेंगलुरु में आयोजित G20 देशों की 3 दिवसीय कार्यक्रम में लगभग 100 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संबंधित मंत्रालय से जुड़े तमाम विशेषज्ञ शामिल हैं। भारत इस साल G20 और विश्व सुंदरी जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं की मेजबानी करने जा रहा है। प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही सिनी शेट्टी ने कहा है कि किसी भी मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करना गौरव की बात है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ से 21 जिलों में 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। कई क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। असम के दारांग और माजुली जिले में कई इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। लगभग 700 लोग चिरांग, डिब्रूगढ़ और तामुलपुर में अस्थायी राहत शिविरों में रह रहे हैं। राज्य में 25,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि जलमग्न हो गई। अगले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश में मौसम के साफ रहने और धूप खिलने का अनुमान है, लेकिन 1 सितंबर से पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय होगा, जिससे प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। हिमाचल में बारिश के कारण आई आपदा के कारण अब भी एक नेशनल हाईवे समेत 280 से ज्यादा सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। प्रदेश में अब तक नुकसान का आकलन 8,642 करोड़ से के पार पहुंच गया है। मरने वालों की संख्या 381 है। देशभर में आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भाई बहन के रिश्तों की अटूट डोर में इस बार चंद्रयान 3 राखी को काफी पसंद किया जा रहा है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल को सबसे पहली राखी बांधी गई। ये राखी भस्म आरती के बाद पुजारी परिवार की महिलाओं ने बांधी। महाकाल को 125,000 लड्डुओं का भोग भी लगाया गया। गुजरात के राजकोट में एक स्कूल के छात्रों ने 230 वर्ग फीट एरिया में 45 फीट लंबी राखी तैयार की है। ड्राइंग बुक, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, स्केल, स्केचपन और किताबों की मदद से बने राखी के इन सामानों को झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को वितरित किया जाएगा। रक्षाबंधन के लिए दिल्ली मेट्रो की ओर से 106 अतिरिक्त ट्रेनें चला रही है। सभी स्टेशनों पर अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती और अतिरिक्त टिकट काउंटर की व्यवस्था की गई है। हालांकि भीड़ से बचने के लिए QR कोड स्कैन करने की भी सलाह दी गई है। दिल्ली परिवहन निगम ने भी रक्षाबंधन पर अपनी सेवाओं में इजाफा किया है। त्यौहार को देखते हुए बसों के 4 से 5 फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। रक्षाबंधन से पहले ही मेट्रो ने सफर का रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली मेट्रो में 28 अगस्त को 68,18,000 यात्रियों ने सफर किया। अब तक की ये एक दिन की सबसे ज्यादा यात्री संख्या रही है। भारतीय सेना की टुकड़ी मिस्र के मोहम्मद नागुइब सैन्य अड्डे पर 31 अगस्त से 14 सितंबर 2023 तक आयोजित होने वाले अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लेने के लिए रवाना हो गई है। इस टुकड़ी में 137 कर्मी शामिल हैं। पहली बार भारतीय सशस्त्र बल 549 कर्मियों के साथ ब्राइट स्टार अभ्यास में भाग ले रहे हैं। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 23 जाट बटालियन की एक टुकड़ी द्वारा किया जा रहा है। सिंगापुर के साथ विशेष संबंध के मद्देनजर भारत ने सिंगापुर की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चावल के निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत और सिंगापुर बहुत करीबी रणनीतिक साझेदार हैं, जो साझा हितों, करीबी आर्थिक संबंधों को और मजबूत बना रहे हैं। दुनिया के पहले BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का प्रोटोटाइप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया और कहा कि एथेनॉल ईंधन के ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और इस्तेमाल पर सरकार का जोर है। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार जल्द ही फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ एक नई योजना PRIP शुरू करेगी।
मांडवीय ने कहा है कि सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं। भारत और न्यूजीलैंड के कृषि मंत्रियों के बीच बागवानी के समग्र विकास के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग ज्ञापन पर परिकल्पित साझेदारी की संभावनाओं पर जोर दिया गया। भारत न्यूजीलैंड के कृषि मंत्रियों के बीच सतत और जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली विकसित करने के महत्व पर भी चर्चा की गई। न्यूजीलैंड के मंत्री ने भारत को ग्लोबल रिसर्च अलायंस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। भारत और न्यूजीलैंड ने नागरिक उड्डयन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसमें नए मार्गों का निर्धारण, कोड शेयर सेवाएं, यातायात अधिकार और क्षमता पात्रता शामिल होगी। न्यूजीलैंड की कुछ चुनी हुई एयरलाइंस भारत में 6 स्थानों नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता से तीसरे और चौथे स्वतंत्र यातायात अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार के विमान से आने और जाने की कितनी भी सेवाएं संचालित कर सकती हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर मौजूदा स्थिति, महंगाई को लेकर चिंता और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में धीमी वृद्धि दर के कारण वैश्विक व्यापार मोर्चे पर चुनौतियां हैं। पीयूष गोयल ने कहा है कि निर्यातक मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं से पार पाते हुए विजेता बनकर सामने आएंगे। ONGC के चेयरमैन अरुण कुमार ने कहा है कि कंपनी 2038 तक शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए करीब 2,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में स्टार्टअप इकाइयों को अनुदान सहायता दिए जाने के दिशा निर्देशों की अधिसूचना जारी कर दी है। दिशा निर्देशों के अनुसार स्टार्टअप इकाइयों को 18 महीने की अवधि के लिए 50,00,000 रुपए तक का सहायता अनुदान प्रदान किया जा सकता है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के बोर्ड की सालाना आम बैठक में कंपनी ने ऐलान किया है कि वो प्रोडक्शन बढ़ाएगी और अगले 8 सालों में 2,000,000 नई कार उतारेगी। अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर इडालिया तूफान तेजी से बढ़ रहा है। यह तूफान फ्लोरिडा तट के नजदीक पहुंच रहा है। तूफान इडालिया 100 मील प्रति घंटे की हवाओं के साथ श्रेणी 2 के तूफान में तब्दील हो गया है। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने 46 फ्लोरिडा काउंटियों के लिए आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी है और लगभग 5,500 नेशनल गार्ड सैनिकों को भी तैनात किया गया है। न्यूयॉर्क में 127 साल पुरानी एक पाइपलाइन के फट जाने से की वजह से टाइम्स स्क्वायर सबवे स्टेशन में बाढ़ की स्थिति बन गई है, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। रूस ने पेस्कोव शहर के हवाई अड्डे पर यूक्रेन की ओर से हुए ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया। पश्चिमी रूस के क्षेत्रीय गवर्नर मिखाइल वेदनिकोव ने जानकारी देते हुए कहा कि रूसी सैनिकों ने ड्रोन को मार गिराया। रूस ने दावा किया कि दक्षिणी ब्रोंस्क क्षेत्र में 3 यूक्रेनी ड्रोन और मध्य ओर्लोव क्षेत्र में एक ड्रोन को मार गिराया गया है और इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इसमें रूस के 4 विमान क्षतिग्रस्त हुए। अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन को सैन्य सहायता पैकेज देने की घोषणा की है। इस बार अमेरिका ने यूक्रेन को $250 मिलियन यानी $25 करोड़ सैन्य सुरक्षा सहायता पैकेज देने का ऐलान किया। इस बार यूक्रेन को अमेरिका ऐसे उपकरण मुहैया कराने वाला है जिससे यूक्रेन की सेना माइंस और सैन्य कार्रवाई के दौरान उत्पन्न होने वाली अड़चनों को दूर कर सकेगी। ग्रीस के जंगल की आग ने न्यूयॉर्क शहर से भी बड़े क्षेत्र को नष्ट कर दिया है। पिछले 11 दिन से लगी इस आग में कम से कम 20 लोगों की मौत हो चुकी है। बोलीविया की खादान में भूस्खलन से 3 लोगों की मौत हुई है। घटनास्थल पर बचाव और खोज के प्रयास किए जा रहे हैं। लीबिया के नागरिक सुरक्षा उप मंत्री जुआन कार्लोस कैल्वी मोंटेस ने घटना की जानकारी देते हुए अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है और कितने लोग भूमिगत हैं ये कहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलावों की संभावना के संबंध में वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ चर्चा करना चाहते हैं। लूला ब्राजील सहित अन्य देशों को परिषद में स्थायी रूप से शामिल करने के मुखर समर्थक रहे हैं। अगले महीने न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर लूला की बाइडेन के साथ बैठक होने की संभावना है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की हाईकोर्ट ने इमरान खान को तोशखाना मामले में बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने इमरान खान की सजा पर रोक लगा दी है और उन्हें तत्काल रिहा करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने इमरान खान को रिहा करने का आदेश दिया है, लेकिन उसके तुरंत बाद इमरान खान को FIA ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा।
सूडान के पश्चिमी क्षेत्र दारफूर में मंगलवार को सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के बीच लड़ाई के दौरान घरों पर हुई गोलाबारी में 39 नागरिक मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। संयुक्त राष्ट्र सूडान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर यूं ही सूडान में युद्ध जारी रहा तो पूरे क्षेत्र में मानवीय संकट पैदा हो जाएगा और हिंसक टकराव पूरे देश को अपनी चपेट में ले सकता है। चीन में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। अचानक आई बाढ़ के कारण बचाव कर्मियों ने पूर्वी और मध्य चीन में निकासी के प्रयास तेज कर दिए हैं। इटली के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन के बाद दर्जनों लोगों को हटाया गया है। एक विशाल चट्टान के खिसकने से सुरंगों तक पहुंच अवरुद्ध होने के कारण फ्रांस और इटली के बीच ट्रेन सेवाओं को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। ऑस्ट्रिया में भी भारी बारिश और तूफान के कारण नदियां गंभीर स्तर पर पहुंच गई हैं। इसके कारण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के टॉयरोल सहित कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी आ गया है। ताजिकिस्तान में भी भारी बारिश के बाद भूस्खलन से 13 लोगों की मौत हो गई है। ताजिकिस्तान सरकार ने लोगों को पहाड़ी इलाकों में न जाने का अलर्ट जारी किया। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत आज से होने जा रही है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला पाकिस्तान और नेपाल के बीच होगा। ये मैच पाकिस्तान के मुल्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका की सेमेजबानी में 17 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में एशिया की 6 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीम शामिल है। एशिया कप में 6 टीमों के बीच कुल 13 मैच खेले जाएंगे, जिसमें से 4 मैच पाकिस्तान में जबकि 9 मुकाबले श्रीलंका में होंगे। भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला शनिवार को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी और यह मैच श्रीलंका के गैंडी में होगा। गौरतलब है कि इस बार ये टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज डरबन में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच होने वाली ये सीरीज आगामी विश्व कप के मद्देनजर बेहद अहम है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय हॉकी में मेजर ध्यानचंद के महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। इस अवसर पर खेल मंत्री ने खेलों से जुड़ी हुई कुछ नई शुरुआत की। इस अवसर पर खेल मंत्री ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनाने वाले किशोर जेना और 4x400 मीटर पुरुष रिले टीम को भी सम्मानित किया। खेल मंत्री ने नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसमें देश भर के खेल संघों के बारे में सूचना उपलब्ध रहेगी। इस आयोजन का एक प्रमुख आकर्षण एक विस्तृत बुकलेट का विमोचन भी रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर झांसी में मेजर ध्यानचंद हॉकी म्यूजियम के उद्घाटन किया। विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले HS प्रणॉय को विश्व बैडमिंटन महासंघ द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में स्थान मिला है। प्रणॉय ने 3 स्थान के सुधार के साथ करियर का सर्वश्रेष्ठ 6ठा स्थान हासिल किया। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ DD न्यूज पर। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक कल्चर, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भार, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ, सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार
सुबह 8 से 9 बजे सुकून से भरा नया सवेरा। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी, कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां और आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण, देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुरुष एकल में लक्ष्य सेन एक स्थान के नुकसान के साथ 12वें, जबकि विश्व चैंपियनशिप के पहले दौर में बाहर होने वाले किदांबी श्रीकांत पहले की तरह 20वें स्थान पर है। विश्व चैंपियनशिप के शुरुआती चरण में हार के बावजूद महिला एकल में पीवी सिंधु को रैंकिंग में फायदा हुआ है, सिंधु एक स्थान के फायदे के साथ 14वीं पायदान पर पहुंच गई है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी अपना दूसरे स्थान पर बरकरार रखने में वो सफल रही है और इस जोड़ी को विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। दुनिया को नंबर एक पुरुष टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन के पुरुष एकल वर्ग में पहले दौर की बाधा को पार कर लिया है। अल्कराज पहले दौर में जर्मन खिलाड़ी को हराकर अगले दौर में पहुंचे। इटली के युवा 22 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने यूएस ओपन के दूसरे दौर में जगह बना ली है। दुनिया के छठे नंबर के खिलाड़ी सिनर ने पहले दौर में जर्मनी के यानिक को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं रूस के आंद्रे रूबलेव ने यूएस ओपन में पुरुष एकल प्रतियोगिता में पहले दौर की बाधा को पार कर लिया है। शुरुआती दौर में रूबलेव ने फ्रेंच खिलाड़ी को 6-4, 7-6, 6-1 के अंतर से हराकर दूसरे दौर में जगह बना ली। यूएस ओपन में ही खेले गए पुरुष एकल के अन्य मुकाबले में जीत हासिल करते हुए ब्रिटेन के एंडी मर्रे ने दूसरे दौर में जगह पक्की कर ली है। पहले दौर में मर्रे ने फ्रेंच खिलाड़ी को हराकर अगले दौर में अपनी जगह बनाई। दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी ने दोबारा फिल्मों में काम करने की इच्छा जताई है। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि अगर उन्हें कुछ अच्छे रोल्स मिलते हैं तो वे जरूर फिल्मों में काम करेंगी। डायरेक्टर नीरज पांडे की थ्रिलर सीरीज द फ्रीलांसर 1 सितंबर को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज होगी। सीरीज में मोहित रैना और अनुपम खेर अहम भूमिका में हैं। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर का कहना है कि आतंकवाद को झुठलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा है कि आतंकवादी संगठन बम विस्फोट करते हैं, वे खुलेआम इसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। सुहाना खान स्टारर द आर्चीज 7 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। फिल्म में सुहाना के अलावा अगस्त्य नंदा, खुशी कपूर, मिहिर आहूजा भी शामिल हैं। अभिनेता शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान का तीसरा गाना नॉट रमैया वस्तावैया रिलीज हो चुका है। गाने में शाहरुख अभिनेत्री नयनतारा के साथ जबरदस्त डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। निर्माता करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने सबसे सुस्त कमाई का एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। फिल्म ने 32वें दिन जाकर 150 करोड़ का आंकड़ा छुआ है। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की नई फिल्म क्रिसमस 2024 के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म की शूटिंग 20 जनवरी से शुरू होगी। एक्टर सनी सिंह की अपकमिंग कॉमेडी फिल्म रिस्की रोमियो का मोशन पोस्टर रिलीज किया जा चुका है। इस फिल्म में सनी अभिनेत्री कृति खरबंदा के साथ नजर आएंगे। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।